अच्छा दुबई में बहुत गर्मी थी इसीलिए अब मैं आ गया हूँ जयपुर राजस्थान हवा महल के बाहर हवा खाने। ओ पाजी एक गाना याद आ गया। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में हाय आग लगे हाय हाय। अरे आग तो लगेगी ही, एक तो ये बढ़ती जवानी और फिर ऊपर से सर्दी जो शुरू हो गई है। और इसी के साथ टीम इंडिया इज बैक ऑन द ग्राउंड, आपको सीधे ले चलते हैं ग्राउंड में, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा है हाय ओए आ गया मेरा चाहल इसकी दांत फाड़ स्माइल पे। आप ये इंडिया फैंटेसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो नीचे वाला घंटा। ही चाहल टीवी में आपका स्वागत है, बुलाते हैं शर्मा जी के लड़के को। ही चमायला अपुन अब नया बॉस है, ऐसे बोलेगा तू? सॉरी हिटमैन। ही अच्छा एक गब्बर क्वेश्चन, इंडिया के पास हिटमैन है तो न्यूजीलैंड के पास कौन सा मैन है? अगर न्यूजीलैंड के पास एक ही मैन है तो बाकी सबका जेंडर क्या है? ओ ज्यादा जेंडर मत कर वरना तेरे खिलाफ टेंडर पास कर दूंगा। गबर जोक। ओ यार मैं कह रहा था कि अगर इंडिया के पास हिटमैन है तो न्यूजीलैंड के पास चैपमैन है। गबर जोक हो गया यार। चमायला इस चैपमैन ने क्या चेपा है, अब मेरा मतलब क्या रन चेपे है, क्या खेला है। और साथ ही में गपटिल क्या छक्कों की महफिल से जाई उसने। हैशटैग चाहल के चुटकुले। और पिच के साथ साथ यहाँ पे भी गुगली फेंक रहा है। गबर जोक। हे मैन आई मीन हिटमैन एज ए कैप्टन पहली जीत पे कैसा लगा? ऐसा कौन जीता, मेरा मतलब आसानी से तो जीतना है ही नहीं, रेपुटेशन जो गिर जाती है। बिल्कुल सही बात, मतलब अच्छा भला आराम से जीत रहे हैं, लगता है इनको भी नाना पाजी की तरह जल्दी जल्दी हवा महल की हवा खाने का मन था। गबर जोक। खैर हमारे शर्मा जी ने आज टॉप किया है, क्या खेला है यार। और इसी के साथ सूर्य यानी स्काई आकाश चोपड़ा के स्टाइल में गगन चुंबी 50 मारी है। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। ओ बहुत कुछ देखने को मिला है, बोर्ड के दो झटके शर्मा जी 48 पे अटके, पर एंड में जीत इंडिया की हुई है, सीरीज में 1-0 से लीड ले ली है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करना, और साथ ही नए कैप्टन और नए कोच की नई सोच पर भी कुछ अच्छा लिख देना। खैर अब मैं और हवा खा लेता हूँ, आप भी आ जाओ केसरिया बालम बदारो मारे देश। ओके टाटा बाय बाय कंट्रोल उदय कंट्रोल।